हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी आ गए हैं समर, तो समर में घी निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो जो मलाई होती है वो पिघल सी जाती है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो मैं एक टिप बताऊँगी जो कि आपके बहुत काम आएगा और आप आसानी से मक्खन को निकाल सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपका घी बाई चांस आप कभी रख के भूल जाते हैं और आपका घी जल जाता है, तो उस जले हुए घी की महक को आप कैसे दूर कर सकते हैं, उसके कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि वो उस घी को आपको फेंकना नहीं पड़े। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम अपने घी को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मक्खन बना लिया है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छा सा मक्खन निकल गया है। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो यहाँ पे मैंने मक्खन को कढ़ाई में डाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पिघल रहा है। तो हमने मक्खन बनने रख दिया है, इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, नहीं तो उफन जाता है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे घी के वीडियो बनाए हुए हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से स्टार्टिंग से घी मक्खन कैसे निकालते हैं आपको दिखाया। यहाँ पे मैं आपको टिप्स शेयर कर देती हूँ। अगर समर है तो समर में आपको घी मक्खन निकालना मुश्किल हो रहा है, तो आपको मिलाना है उसमें ठंडा पानी। अगर आप ठंडा पानी मिलाते हैं तो आपका मक्खन एकदम आसानी से निकल जाएगा और बहुत अच्छा घी बनेगा आपका। यहाँ पे एक और टिप मैं आपके आगे में शेयर करूँगी कि अगर आपका घी बहुत पुराना हो गया है, हो जाता है, फिर भी आपके घी में महक नहीं आएगी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि थोड़ा सा घी अच्छा नहीं बनता है, तो अगर आप ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो उसमें महक आ जाती है, तो आपको क्या करना है वो टिप भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आगे तक वीडियो में बने रहिएगा तो भी आपको वो टिप भी पता चलेगी। तो चलिए मैं आपको घी बना के दिखा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए घी मेरा बन रहा है, और घी बनते बनते रख मैं खुद ही भूल गई और बैठ गई, मैं कोई और काम करने लगी तो घी जो है वो जल गया। तो मैंने सोचा कि अब इसको क्या करूं तो फेंकना ना पड़े, उसके लिए मैंने क्या टिप अपनाया वो मैं आगे आपको बस शेयर करती हूं। तो ये देखिए मेरा घी जल गया है और बहुत ज़्यादा लाल हो गया है ये। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ठीक करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो वो अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। आपके साथ भी कभी ऐसी गलती हो जाए तो आप भी ऐसे ठीक कर सकते हैं इसको। तो इसके अंदर हमें क्या मिलाना है वो ही मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए बताती हूँ। तो इसके अंदर हमें क्या करना, मिलाना है अदरक के टुकड़े और हल्दी 1/4। तो इससे क्या होता है, हल्दी से कलर चेंज हो जाता है और जिंजर से जो है इसका जो कड़वापन है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो आपके घी का कलर भी चेंज हो जाता है और अब जो स्मेल आ गई है वो भी हट जाती है। तो उस फिर आप ये घी को अपने खाने में आप यूज कर सकते हैं। इसको आपको घी को, अब गैस की फ्लेम एकदम मैंने बंद कर दिया है, उसके बाद मैंने ये डाला है और देख सकते हैं आप। और उसके बाद इसको हमें पकाना नहीं है, गैस ऑन नहीं करना है, इसी गरम घी में ही ये अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं या इसी में छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ तेज़पत्ते डाले हैं। तेज़पत्ता जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है और इसकी जो एक खुशबू होती है वो घी के अंदर होती है। देखिए कलर भी चेंज हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और जिंजर भी अच्छे से पक चुका है, तो इन सारी चीज़ों का इसके अंदर स्वाद आ जाएगा, तो आपको फिर घी को फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए वो घी मैंने देखिए छान लिया है और छान के मैं एक डिब्बे में भर के रख दूँगी जो डेली यूज़ में होता है। तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ रोटी पे लगाने के लिए मैं करूँगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए निकल गई हैं और मैंने घी को अलग कर लिया है। और इसको आपको जलाना नहीं है, मतलब आप इसको जैसे हलवा बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उस पे यूज ना करें, इसको सिर्फ आप तड़के में यूज कर सकते हैं, दाल में डाल के खा सकते हैं, रोटी पे लगा सकते हैं। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो जले घी पर शेयर कर रखी है और आप जो है वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर, आपको बहुत ज़्यादा कई तरह के टिप मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे मैं देखिए ये मैंने अपने डेली यूज़ में जो डब्बा है उसमें मैंने रख दिया है, ये मैंने बनाई है रोटी और मैं ये रोटी पे लगा रही हूँ, क्योंकि
इसको किसी प्रकार का कोई भी इसमें स्मेल नहीं है, और अच्छे से हमने इस पर लगा के रख दिया है, और अब हम ये रोटी को खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दूसरा टिप ये है कि अगर घी बना रहे हैं आप, वो घी बनाते बनाते और आपका घी बहुत अच्छे से पकता नहीं है, या फिर आप ज़्यादा दिन रख देते हैं, तो आपको क्या करना है, घी बनाते समय इसके अंदर कुछ बूंदे डालनी है। किसकी डालनी है, वो है लेमन, कुछ लेमन की बूंदे डालनी है, जिससे कि आपके घी में कभी भी स्मेल नहीं आएगी और हमेशा आपका जो घी है वो फ्रेश रहेगा। आप चाहे उसको साल, 2 साल, 3 साल, जितना दिन रखना चाहें उतना दिन आप रख सकते हैं। तो ये वाला टिप भी आप ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए, मैंने हाफ लेमन लिया है और इसकी कुछ बूंदे मैं इस घी में डाल दूँगी। उसके बाद इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, और उसके बाद हम इस घी को स्टोर करके काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम का होगा। मिलती हूँ फिर अपने अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।